वाटर इज इक्वल टू 4 है तो हमें ये चेक करना है, इसलिए टेन ए हो गया है 3/4, क्योंकि जो कॉट ए होता है उसका उल्टा या उसका रेसिप्रोकल टेन ए होता है, तो टेन ए इज इक्वल टू 3/4। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो इससे आप टेन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर देखते हैं हम, टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर हम टेन ए लिख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर हम टेन सी लिखते तब इसको परपेंडिकुलर लेते। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 16 + 9 इज इक्वल टू 25, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/4, ये वैल्यू हमारे को यूज करनी है। इधर हम कॉस ए निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है इज इक्वल टू 4/5। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 आ गया। देखिए दोनों की वैल्यूज 7/25 आ गई है, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमारे को पाइथागोरस की थ्योरम की जरूरत पड़ी, और दूसरा हमारे को इस टेबल की जरूरत पड़ी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इससे हमने क्या करा, हमने टेन की वैल्यू निकाली, कॉस की वैल्यू निकाली और साइन की वैल्यू निकाली, और फिर हमने इसमें पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।